अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये आज की आपको अपडेट दें जी। आज हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं जो हमारे पास रुके हुए हैं ऑस्ट्रोलॉग के, जो हम लोग ब्रूडर में डाल रहे हैं। और ये हमारे पास चूज़े हैं, अंदर भी हैं, हैचर में पड़े हुए हैं। तो एक एक बकेट्स ला के आपको दिखाएंगे हम लोग इसको किस तरह ब्रूडर में डालते हैं। ये हमारा ब्रूडर बिल्कुल रेडी हुआ हुआ है। गर्मी काफ़ी है लेकिन फिर भी हमने एक बल्ब लगाया हुआ है और ऊपर ये लाइट दी हुई है इसको। ये नीचे हमने पेपर डाला है जी गत्ते का। इसमें ये होता है कि बहुत इजी रहता है, चूजे की टांगें बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं और छिलका वगैरह डाल दें तो छिलका खाना शुरू कर देता है। तो हम लोग इसके लिए ये करते हैं कि नीचे ये गत्ता लगा देते हैं। स्पेशल गत्ता आता है पोल्ट्री के लिए, पैकिंग के ही होता है लेकिन पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। इसके लिए हमने ये तैयार किया। हमारे पास तकरीबन 300 चिक्स हैं एस्ट्रोलॉग के। और क्योंकि आपको पता है ईद के दिन गुजरे हैं तो वर्किंग मार्केट में काफ़ी स्लो है, तो इसमें अभी लोग परचेज नहीं कर रहे थे। तो हमने इसको ये दो ब्रूडर खाली करके इसमें डालने की जो है ना सोचा है कि इसमें डाला जाए। और इसको तैयार किया अभी। इसको ये मैं यहाँ से कवर करूँगा, यहाँ से ये बंद हो जाएगा डोर बंद करके यहाँ से। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बिल्कुल इसके फ्रंट पे रूम कूलर लगा हुआ है, उसमें से ऑन करना पड़ता है। गर्मी काफ़ी होती है तो ठंडी हवा ट्रैक्ट चूज़े को लगती है, चूज़ा जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने टेम्परेरी इसको ये कवर किया हुआ है। इसको चूज़ा डाल के इसको आगे कर दूँगा ताकि ट्रैक्ट हवा ना पड़े। ये ऊपर हमारा बेडम का चूज़ा जिसकी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर चुका हूँ, ये अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। और इसके बाद ये ब्रूडर जो है यहाँ से दिखाता हूँ, ये ब्रूडर एक और रेडी किया। तकरीबन 300 से प्लस चिक्स है हमारे पास, 350 से प्लस है। तो हम लोगों ने दो ब्रूडर तैयार किए हैं और हमने चूज़ा यहाँ से रिमूव किया है, दूसरी जगह किया है। तो उसको ओपन जगह दी है क्योंकि वो तकरीबन एक हफ्ते 10 दिन का चूज़ा है, वो सर्वाइव कर लेगा। इस चूज़े को यहाँ पर ब्रूडिंग करेंगे जी इसमें। और एक और ऊपर भी है हमारे पास लेकिन हम उस पर वर्किंग नहीं करते क्योंकि यार हाइट बहुत ज़्यादा है इसमें, तो ऊपर चूज़ा नज़र भी नहीं आता है। और उसमें चूज़ा पकड़ना और फीड वगैरह करना और उसकी क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हैं ये दो मेरे पास ब्रूडर, स्पेस की वजह से इसको ये यहाँ से दो हैं, ये ग्राउंड नीचे ग्राउंड हो जाता है नीचे ना, तो ये दो हैं हमारे पास। वो लाइट नज़र आ रही है, ये हमारे लाइट सक्सेस के चूज़े जो माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास निकल रहे हैं। ब्रीड भी वो सामने है, ठीक है, तो वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। और ये चूज़े हैं, इसकी भी मैं किसी दिन प्रॉपर इंशाल्लाह आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा। और बाकी का चूज़ा हमारा ये हैचर के अंदर है, ये रहा कल हैच हुआ है। और अभी हम लोग ये देखें वो नीचे भी घूम रहे हैं, अभी मशीन को मैंने बंद किया। कुछ भाई लोगों के नीचे हैं बीच में, वो भी अभी आ रहे हैं। एक आधी मोटैलिटी हो गई है, वो अंदर पानी के अंदर जम मार गया जी, घबरा जाते हैं चूज़े यार, बहुत शैतान है, बाहर घूम रहे होते हैं डेली। हाँ ये देखें ये घूम रहे चूज़ा, इनकी मर्जी है जी, बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे होल है इसके, इसको मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। वो बस कर जाओ भाई, ये देखें यहाँ पे होल है ये ऑक्सीजन के लिए। और अब रेट हो यहाँ से जो है वो मतलब एग्जॉस्ट फैन ऑन होता है तो बाहर की हवा अंदर जाती है। तो इस चीज़ का ये देखें ये फ़ायदा उठाते हैं और ये बाहर आने की कोशिश करते हैं, अंदर से घबरा जाते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं। बकेट्स होने के बावजूद चूज़ा निकल आता है बाहर, एक दो चार नीचे घूम रहे होते हैं, साइड जहाँ से पकड़ के उठाते हैं वहाँ से निकल आते हैं। और ये हमारी मशीन अंडा बहुत लगा हुआ है, इंशाल्लाह हैच होंगे। और जो भाई लोग काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल टेंशन लेने वाली लोड ही कोई नहीं है। ये हर साल सीन है ईद के दिनों में और ये मौसम में। और मेरा भी काफ़ी अंडा जो है डिस्टर्ब हुआ है, अंडे पड़े हुए हैं। और एक और भी अपडेट करूंगा इस अंडे के हवाले से, भाई लोगों के साथ अपडेट करूंगा तो वो आपको मैं बताऊंगा। ये हमारे पास ग्राइंडर पड़ा हुआ है, उसको जो है फीड ग्राइंड करके डालेंगे। ये थी जी आज की अपडेट। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो चूज़ा अंदर यहाँ से शिफ्ट किया है और ये डाला करें जी अपने ब्रूडर के अंदर, मैं बताता हूँ कि मज़े हो गए हैं जी। पहले मैं भी नहीं यूज़ करता था इसके अंदर भी, और ये देखें जी इसके अंदर भी। एक तो ये आपकी ये देखें मेरी बास्केट निकली है, इसके अंदर हैच हुआ है और देखें कितनी नीट क्लीन बास्केट है, ठीक है।
ये मैंने ये सीन किया हुआ था नीचे, सारी विधियाँ वगैरह इसकी इसके ऊपर रहती हैं, आप इसी तरह इसको रोल करें और बोरी में डालें, फेंक दें, टेंशन नहीं होनी। सिर्फ ये है कि आप इससे स्प्रे करें इसको, इसका फर्नाइल का, और कभी टाइम मिले तो काफ़ी टाइम के बाद रेगुलर हैच हो रहे हो तो आप जो है इसको वॉश कर सकते हैं। डेली बेस पे हर हैच पे वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारा एक केज वैसे ये भी खाली है, इसके ऊपर भी एक छोटा सा केज है, देख सकते हैं ये मतलब सीढ़ियाँ जा रही है, इसको मेंटेन किया हुआ मैंने, एक दो केज बने हुए। लेकिन यहाँ पे चूज़ा जब भी मैंने डाला ना इस केज में, चूज़ा मेरा डिस्टर्ब हुआ है। एक तो उसकी वेंटिलेशन का इशू है, दो साइडें बंद है, ये ओपन है, फिर भी चूज़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरा डिस्टर्ब हुआ, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट किया और इसको यूज़ नहीं कर रहा। बाकी मैं दिखाता हूँ जो चूज़ा मैंने अंदर ट्रांसफ़र किया जी। ये देखें जी, ये हमारे ब्रीडर्स हैं RIR के, जो कि अभी खेल रहे हैं नीचे, जो इनका बेडिंग है इसके अंदर, खूब मज़े में है ये लोग। ये देखिए, ये हमारे पास ब्रीडर है और ये भी मैं फॉर सेल गा रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं सेल गा रहा हूँ, किसी भाई को चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में दे दूँगा। ये ब्रीडर मेरे पास है, देखिए कि एज है इसकी तकरीबन 10.5 माह है, हल्की हल्की ऊपर से नंगी हो रही है, मुर्गी आप प्रॉपर दे सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन प्रॉपर है। अभी भी मैंने जाके अंडे उठाने हैं, क्योंकि आज लेट उठा रहा हूँ, क्योंकि वर्किंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, तो इसलिए वो देखें, एक मुर्गी तो बिल्कुल ही अंदर बेडिंग के अंदर ही चली गई है, तो ये सीन है। और गर्मी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि अंडा पड़ा रहे ना, मुर्गी हीट दे देती है, उठती नहीं है, तो अंडा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें उसको उतनी हीट मिल जाती है जो हम हैचिंग में देते हैं, तो उस वजह से बाद में दोबारा वो डेड हो जाता है ना। ये सीन है, और मैं चूज़ा भी दिखाता हूँ। और ये देखें जी, यहाँ पे हमारा आ रही था पहले, तो मैं अंदर जाता हूँ दिखाता हूँ आपको कि हमने इस चूज़े के लिए, जो हमारे पास बड़ा चूज़ा है, उसके लिए हमने ये जगह बनाई है, बहुत ही प्यारी जगह है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। अभी चूज़ा सहमा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने पकड़ पकड़ के डाले हैं ये, तो ये सहमा हुआ है यहाँ पे नई जगह पे, थोड़ी देर तक फीड वगैरह डालूंगा ना, तो ये प्रॉपर थोड़ा सा ये जगह को समझेगा तो इंशाल्लाह वो देखें आस्ता। और आप बोलता हूँ कि मेरे पास दो लाइट सक्सेस के ये चूज़े जो है ना, बीच में लाइट सक्सेस के, ये फोर सेल के लिए नहीं है, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। बाकी चूज़े को देख लें और इसकी ग्रोथ चेक करें, बहुत ही आउट क्लास ग्रोथ, डबल से भी ज़्यादा है इनसे, बहुत अच्छी ग्रोथ का है। और इसमें एक पीकॉक की ये है जी, पीकॉक का दो अंडे लगाए थे, एक ही निकला था, तो माशाल्लाह बड़ा हेल्दी एक्टिव है। इसमें हमारे एक भाई के हैं, बोला मैं बड़ा करके दे, तो ये भी साथ ही घूम रहे हैं इनके साथ। ये जी हमने अभी नया सेटअप रेडी किया है, आप देख लें, और इसकी प्रॉपर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बहुत अच्छी वेंटिलेशन हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इस जगह पे चूज़ा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट तैयार होता है। ये देखें अभी चलना शुरू हो गए, अभी इनको फीड की ज़रूरत है, यहाँ पे फीड वगैरह देनी है इनको, पानी विटामिन चलाते हैं इनको, ताकि नई जगह पर जो है चूज़ा डिस्टर्ब ना, वो भी इंशाल्लाह हम लोग इधर ही ले आएंगे चूज़ा, और यहाँ पे मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, एक तो चूज़ा छोटा है, डे ओल्ड है, और दूसरा फ्लैशिंग वगैरह करनी है उसके अंदर रहेगा, जो हमने ब्रूडर के अभी प्रॉपर किए हैं उसके अंदर तकरीबन एक हफ्ता रख के फिर इनके साथ यहीं पे छोड़ देंगे वो चूज़ा। माशाल्लाह अभी अभी थोड़ा एक्टिव हो रहा है, थोड़ा सा कुछ घंटे रुकेगा चूज़ा खुद बहुत जो है ना इस जगह को, लेकिन खुश बहुत हुआ है चूज़ा उस ब्रूडर से निकलने से खुश बहुत हुआ है चूज़ा यार। ये थी अपडेट, तो अभी मैं चूज़े को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता, इसको ब्रूडर में डालता हूँ, एक तो मेरे हाथ में ही घूम रहा है, तो मैं इसको ब्रूडर में डालता हूँ, चेक करता हूँ, ये चूज़ा डिस्टर्ब भी है बीच में, इसको ठंडी हवा लगी सी एचर से निकाला था, तो इसकी गर्दन जो है घूम गई, मतलब लकवा हो गया इसको, तो इसको भी यहीं पे छोड़ा हुआ है, एक्सपायर होएगा तो इसको फेंक देंगे। तो ये देखेंगे चूज़ा आस्ता आस्ता जो है ना, वो तो बहुत
एक्टिव हो रहा है। तो इतनी जगह चाहिए होती है चूजे को चलने के लिए। वो देखें अपनी मर्जी से घूमता है, एक टोला इधर आ गया, कुछ वहाँ पे सो रहे हैं, कुछ रेस्ट कर रहे हैं और कुछ भूख भी लगी है इनको। काफ़ी देर से यहाँ पे डाले हुए, मैं रूडर की सेटिंग कर रहा था। भाई लोगों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो चूज़ा वगैरह डाल के फिर एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।